How are you, students? Welcome to my YouTube channel. I hope you are happy and healthy, hale and hearty. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. Badha vidyarthi mitro ne mara namaskar. Aaj main aapko 11th standard semester 1 chemistry ka unit 5 states of matter jo unit hai वो समझाने जा रहा हूँ. सो आप मेरे साथ जुड़े रहे. जो भी बच्चे इस चैप्टर को समझना चाहते हैं लाइन वाइज, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर. यूनिट 5 11th केमिस्ट्री सेम 1 यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में आप तो दूंगा, इजी तरीके से समझाऊंगा. इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूलाज दिए हैं, जो जो लॉज हमें दिए हैं, उसको हम समझेंगे. तो आप मेरे साथ जुड़े रहे. और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोज अबाउट द अदर यूनिट्स ऑल्सो. एंड I have also uploaded the videos from unit 1 to 4. So if you haven't watched it, you can watch that also. अभी हम समझेंगे matter. जो important टॉपिक से या पॉइंट से उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आप अपने बुक में हाईलाइट कर सकते हैं इसको, और इसको पॉइंट को नोट, इससे नोट्स बना सकते हैं आप. तो यहाँ पे 5.1 में हमें समझाया गया है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होता है? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम हो गए या मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स. यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स को नहीं लिया गया है. दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन एंड द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स टूगेदर इन कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होता है, उसके बारे उसको यहाँ पे नहीं लिया है अभी. यहाँ पे जो हम समझेंगे वो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नोन एज वंडरवॉल फोर्सेज. यहाँ पे जो हम समझने वाले वो वंडरवॉल फोर्सेज जो होते हैं, वो जो इसमें अट्रैक्शन होता है. वंडरवॉल फोर्सेस वेरी कंसिडरेबली इन मैग्नीट्यूड एंड इंक्लूड डिस्पर्सन फोर्सेज. उसमें क्या कौन कौन से इंक्लूड होंगे? डिस्पर्सन फोर्स को लंडन फोर्स भी बोला जाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. तो इसके बारे में हम समझेंगे. डिस्पर्सन फोर्स, इसे लंडन फोर्स भी बोला जाता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. तो वंडरवॉल फोर्सेज में ये सब, ये तीन हम समझेंगे. Only a few elements can participate in hydrogen bond formation. Therefore, it is treated as a separate category. Hydrogen bond भी होता है, लेकिन वो separate category में उसको हम समझेंगे इसके बाद. Hydrogen bond. Attractive forces between an ion and a dipole are known as ion-dipole forces. Ion और dipole के बीच में जो forces होता है वो ion-dipole forces बोला जाएगा. Different type of van der Waals forces. इसके हम पहला समझेंगे. डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है, इसे लंडन फोर्स भी बोला जाता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन एंड फॉर दिस रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पररी
डाइपोल इज नोन एज लंडर फोर्स, लंडर फोर्स भी बोला जाता है। आप ऐसे समझेंगे एकदम सिंपल ही, जैसे एटम ए है ठीक है, जैसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये एटम बी है, इसमें भी सेम है, लेकिन पॉसिबल क्या होता है इसमें, जब दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो डिस्पर्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। एटम ए विथ अ इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है राइट हैंड साइड ठीक है, और एटम बी विथ इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो डिस्पर्सन हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एक तरफ होने से डिस्पर्सन होता है ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट पे, यहाँ पे लेफ्ट पे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, ये प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट करेंगे ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्स। तो ये टेम्पररी होता है और बहुत वीक रहता है। डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस बिटवीन एटम, इट इज टेम्पररी फोर्स, टेम्पररी ठीक है। अब उसकी एनर्जी कितनी रहती है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी तो कितनी होती है, उसकी एनर्जी वन अपॉन आर टू द पावर सिक्स, वेयर आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में है, मतलब आर का पावर सिक्स है, रेडियस का पावर सिक्स है, तो बहुत कम एनर्जी होती है इसमें। दिस फोर्सेस आर इम्पोर्टेंट ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस, देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कैसा कितना पोलराइज हो सकता है उस पर भी डिपेंड करता है। चलो उसके बाद है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल मतलब पोलर होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग द परमानेंट डाइपोल, जिसमें डाइपोल होता है, एक तरफ पार्शियल चार्जेस होते हैं, जैसे डाइपोल पोजेसिस पार्शियल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस को डेल्टा से हम दिखाते हैं, पार्शियल चार्जेस आर ऑल्सो ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका उससे वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमें पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो उससे फिगर से समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी कूलम मोलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल इज, अगर स्टेशनरी है तो 1/r³ रहता है, एंड द बिटवीन द रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, तो स्टेशनरी होता है उसमें ज्यादा पावरफुल रहेगा, 1/r³ है, तो जब स्टेशनरी होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होगी और रोटेटिंग है तो कम होगी। अब सब पार्शियल चार्ज दिया गया है ठीक है, यहाँ पे ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H पे डेल्टा प्लस है और यहाँ पे डेल्टा माइनस है, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा उस पर माइनस का चार्ज रहेगा पार्शियल, और ये पार्शियल प्लस है, तो ये हम समझ सकते हैं जैसे HCl है और ये HCl है ठीक है, ये प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू HCl मॉलिक्यूल्स। चलो उसके बाद है हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, जो एक में डाइपोल है वो दूसरे में डाइपोल इंड्यूस करेगी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो एक जो परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर
एक पोलर मॉलिक्यूल है वो दूसरे जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल इंड्यूस कर सकता है. Thus an induced dipole is developed in the other molecule. Interaction energy is proportional to 1 upon r to the power 6. इमेज से समझेंगे हम यहाँ पे. तो यहाँ पे ये परमानेंट डाइपोल है, पोलराइज है, परमानेंट डाइपोल है यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये हमारा न्यूट्रल है. तो ये जो है नेगेटिव चार्ज इस तरफ प्लस चार्ज क्रिएट कर सकता है, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको इंड्यूस डाइपोल इन द नॉन पोलर मोलिक्यूल, नॉन पोलर मोलिक्यूल में भी इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस कर सकता है अगर इसके नजदीक वो आता है. तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल एंड द इंड्यूस डाइपोल. एक परमानेंट होता है और एक में इंड्यूस होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको भी हम समझे हैं कितनी बार. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके बीच में बॉन्ड बनता है हमारा, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा, ये प्लस वाला हो तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ठीक है उससे क्या होता है उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन 10 to 100 किलो जूल पर मोल. एनर्जी अलग अलग होती है, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन, यहाँ पे दिखाया गया है. स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द कूलम्बिंग इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, एटम होगा ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन दूसरा मॉलिक्यूल का एक एटम है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, सो बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे दिखाया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे जो मैंने ऊपर दिखाया हो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो बीच में जो बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है. मॉलिक्यूल्स आल्सो एग्जर्ट रिपल्सिव फोर्सेस, तो इंटरेक्टिव फोर्सेस तो होती है और मॉलिक्यूल्स के साथ साथ क्या होता है रिपल्सिव फोर्सेस भी होती है ऑन वन अनदर. द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दैट बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स कम इनटू प्ले. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उसमें भी रिपल्सन होता है. This is the reason that liquid and a solid are hard to compress. Liquid or solid कम ज्यादा compress नहीं कर पाते. Thermal energy is the energy of the body arising from motion of its atoms or molecule. और motion में जब आते हैं atoms or molecule तो वो कौन सी energy होती है उसमें thermal energy. This movement of particle is called thermal motion. तो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी, तो उसे क्या बोलेंगे थर्मल मोशन बोलेंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीएस थर्मल इंटरेक्शन, इस दोनों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अट्रैक्ट करती है और थर्मल इंटरेक्शन क्या होता है उसे दूर लीजिएगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेगी एलिमेंट को साथ में रखेगी, और थर्मल इंटरेक्शन से क्या होता है एलिमेंट पार्टिकल्स दूर जाएंगे. थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेंड टू कीप देम अपार्ट. तो थर्मल एनर्जी क्या करेगी दूर ले जाएगी उसको. यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीडोमिनेंट क्या है, यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. जैसे गैस है तो मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक आएंगे तो लिक्विड होगा और ज्यादा नजदीक आएगा तो सॉलिड होगा. तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसमें पार्टिकल्स नजदीक आते हैं. यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी में क्या होता है ठीक है, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स है तो थर्मल एनर्जी आने से हीट से क्या हो जाएगा तो दूर हो जाएगा पार्टिकल थोड़े गैस में और दूर हो जाएगा. तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो रहा है ठीक है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, यहाँ पे थर्मल एनर्जी से पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं.
उसके बाद द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के बारे में स्टेट ऑफ मैटर से, लेकिन इसमें पूरा गैस पे हमने फोकस किया हुआ है। तो याद रखना है कि 11 एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज गैस, कितने गैसेस है हमारे पास, टोटल 11, ठीक है, 11 गैसेस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, इतने हैं टोटल गैसेस है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो समझ लेते हैं। पहला तो है गैस में क्या होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेज एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में गैसेज क्या करेगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी। लोअर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी कम होती है देन द सॉलिड एंड लिक्विड। वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ द गैसेज आर नॉट फिक्स, उनका वॉल्यूम, ठीक है, और उनका शेप फिक्स होता नहीं है। गैसेज मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड, ठीक है, गैसेज एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। चलो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में क्या है, क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम, तो उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कितना है वो, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका मास क्या है, और इस सब पे आप रिलेशन देखेंगे। अब उसके हिसाब से गैस, द गैस लॉस, गैस के जो लॉ है वो देखेंगे। द फर्स्ट रिलायबल मेजरमेंट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस वॉज मेड बाई एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल इन 1662। रॉबर्ट बॉयल ने पहला एक रिलायबल लॉ हमें दिया है। तो पहले हम रॉबर्ट बॉयल, बॉयल्स का लॉ देखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है उसने बताया। तो उनके हिसाब से प्रेशर क्या है, प्रेशर, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। और कब, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। प्रोपोर्शनल के हिसाब से यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखा है K1, K1 है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। बॉयल्स लॉ है, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू के भी कर सकते हैं हम, के हिसाब से हमें याद रखना है इसको, इस इक्वेशन को, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 upon P2 V2 upon V1, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से तीन की वैल्यू हमें पता हो तो चौथे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन याद रखते हैं आपको, P1 इज इक्वल टू P2V2, ओके। तो ये हमारा था बॉयल्स का लॉ, रॉबर्ट बॉयल, जिसको यहाँ पे ग्राफ से समझाया हुआ है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो ये प्रेशर है, तो इतना वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ओके। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम कम होता रहेगा, ग्राफ ऑफ द प्रेशर वीएस वॉल्यूम।
ठीक है, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बात करेंगे अब तो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो गैस भी बढ़ता, गैस का बढ़ेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर लेंगे प्रेशर के साथ में, तो प्रेशर इज इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा तो बढ़ता रहेगा दोनों, जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का दिया गया है हमें। वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 2 to 10, उसके हिसाब से वॉल्यूम क्या हो रहा है, प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, 112 to 22 पे हो रहा है, लेकिन 1/1 वॉल्यूम करेंगे तो वो इंक्रीज होगा प्रेशर के हिसाब से साथ। जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है 8 to 44। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे दिखाया गया है वॉल्यूम ऑफ 0.09 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, चलो उसके आगे है, इच कर्व कोरस्पोंडेंट टू द डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इज नोन एज, अगर टेम्परेचर एक ही रहता है, एक ही टेम्परेचर पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिया दिखा है अलग अलग कर्व के लिए, तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोथर्म बोलेंगे, थर्म मतलब टेम्परेचर रहता है, आइसो सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, आइसोथर्म कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लॉट, टेम्परेचर का प्लॉट कैसा है, कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर सेम रहेगा, सेम टेम्परेचर वाले जो प्लॉट रहते हैं उसको बोलेंगे हम आइसोथर्म। गैसेस बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर होगा तो गैस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेंस हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी एम है मास हमारा, वी है वॉल्यूम, डी डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एम अपॉन बी। चलो उसके हिसाब से यहाँ पे एक इक्वेशन समझाया गया है, तो हमने देखा है डी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितनी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, डी तो डी इज इक्वल टू केपी हो सकता है, तो केपी यहाँ पे हमने लिख दिया है केपी, और डेंसिटी इज इक्वल मास अपन वॉल्यूम होता है, डी इज इक्वल टू एम अपन वी, ओके, और पी की बात हम कर रहे हैं तो पी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओके, तो P इज इक्वल टू के 1/V करेंगे, अगर 1/V कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P अपन K1, ओके, इसी वैल्यू को कहाँ डालिए, यहाँ पे ला रहे हैं, और साथ में क्या है, यहाँ पे एम भी है, D इज इक्वल M/V भी होता है, तो इसको भी साथ में ले लिया है, तो यहाँ पे हमारा मास हो गया, ये प्रेशर और उसके साथ एक कॉन्स्टेंट भी आ गया, तो डी इज इक्वल टू एम पी और के इज इक्वल टू के पी, यहाँ पे के अलग अलग है, कॉन्स्टेंट अलग अलग है। चलो प्रॉब्लम 5.1 है तो समझ लेते हैं, बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट अ रूम टेम्परेचर, एक बलून है उसमें हमने हाइड्रोजन गैस डाला है रूम टेम्परेचर, इट विल बस्ट इफ द प्रेशर एक्सेस, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं 0.2 bar से ज्यादा कर रहे हैं तो फट जाएगा, इफ एट 1 bar प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज, अगर ये 1 bar की बात कर रहे हैं हम तो कितना गैस ऑक्यूपाई कर रहा है प्रेशर, द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 liter वॉल्यूम, पता रह जाए अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी
एक्सपांड है, तो कितना बलून, बलून में कितने तक हम वॉल्यूम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है P1, बॉयज का हमने देखा है P1, V1 इज इक्वल टू P2, V2, ठीक है। P1 हमारा है 1 बार, जो कंडीशन है वो लिखनी है, और V1 हमारा कितना होता है 2.27 लीटर। P2 हमें दिया गया है 0.2, तो कितना वॉल्यूम आ सकता है, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 P2, तो वॉल्यूम कितना रह सकता है अंदर, 11.35 लीटर तक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो बस्ट हो जाएगा। सिंस बलून बस्ट एट 0.2 बार प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द बलून शुड बी लेस देन 11.35 लीटर से कम रखना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, ये जो लॉ है वो बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चलो उसके बाद चार्ल्स को पढ़ेंगे हम, जैसे BCA के फॉर्म में हम याद रखते हैं सबको, B मतलब बॉयल, BCA होता है, जैसे बॉयल सबने देखा है रॉबर्ट बॉयल, C मतलब चार्ल्स, तभी चार्ल्स आएगा, उसके बाद एवोगैड्रो आएगा, हम देखेंगे इससे BCA के भी फॉर्म में, हम पीछे आगे जाके भी समझा रहा हूँ आपको भी। तो चार्ल्स का लॉ देखेंगे, चार्ल्स ने जो रिलेशन बनाया, लॉ बनाया, वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में बनाया, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे उसने बताया गया फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में एक डिग्री बढ़ रही है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज बाय, उसने नंबर दिया 1/273.15, जो हम केल्विन में जिसको लेते हैं टेम्परेचर, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0°C, 0°C जो होता है उससे जैसे डिग्री बढ़ती रहेगी इतना वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, और उसके हिसाब से चार्ज के हिसाब से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो उसने सब कैलकुलेशन किया है, जो इनिशियल कितना होता है वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, तो उसको समझाए यहाँ पे, इनिशियली कितना होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद कितना होता है, यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर स्केल में मेजर किया है उसको, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोले, 0°C इज इक्वल टू 273 केल्विन, स्केल इज इक्वल टू 273.15 केल्विन एट द एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल ऑफ द टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडाइनेमिक स्केल ऑफ द टेम्परेचर, यहाँ पे ये याद रखना है, 0°C इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, तो उसने जो मेजरमेंट किया उसके ऊपर से ये जो वॉल्यूम जो टेम्परेचर के हिसाब से होता है वो ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर जितना हो रहा है वो, और ये इनिशियल टेम्परेचर, इसके हिसाब से वॉल्यूम टू और V1 T2 T1, ठीक है। तो इसको ऐसा भी हम याद रख सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, यहाँ पे रिलेशन है हमारा टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1/T1 वॉल्यूम टेम्परेचर से बड़ा वॉल्यूम, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो हमें मेमोराइज कर लेना है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चार्ल्स। V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K2, वी इज इक्वल टू K2T, प्रोपोर्शनल है ना उसके हिसाब से इसको लिखा गया है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वी इज इक्वल टू KT, टेम्परेचर के हिसाब से ये वाला यहाँ पे कॉन्स्टेंट K2 रखा है, तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा आपका K2 कॉन्स्टेंट रहता है, K2 गैर कॉन्स्टेंट। ओके, चार्ल्स लॉ प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, और जहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे हम, आइसो बार बोलेंगे, जहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। फिक्स मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
यहाँ पे समझाया उसको, ये वॉल्यूम है हमारा और यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। रूल क्या है हमारा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम घटा रहेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ता रहता है, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट रखा है, आइसोबार बोलेंगे हम। और ये वॉल्यूम जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एक डॉट सीधे यहाँ से डॉटे दिखाया है, मतलब यहाँ से डॉट दिखा रहा है मतलब कि आप अगर टेम्परेचर कम करते रहोगे तो ज्यादा गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, तो ज्यादा हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है गैस। वॉल्यूम वी एस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार, उसे आइसोबार बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है। इनफैक्ट ऑल द गैसेज गेट लिक्विफाइड, जो मैं यहाँ समझा रहा था, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं कर सकते, अगर इतना कम करेंगे तो जीरो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे। इनफैक्ट ऑल द गैसेज गेट लिक्विफाइड बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच्ड, द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैस आर सपोज टू बी सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। जीरो वॉल्यूम हो जाएगा जहां पे गैसेस का, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे हम केल्विन में लिखते हैं उसे 273.15 केल्विन। प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके हिसाब से प्रॉब्लम है। ऑन अ शीट ट्रेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में है तो यहाँ पे ठंडी है, वेयर द टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब बलून इज फिल्ड, बलून को फिल करके रखा है वहां पे विद अ 2 लीटर एयर, उसमें कितने हैं 2 लीटर एयर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है 26। तो पहला जो वॉल्यूम था हमारा 2 लीटर, ठीक है, और पहला टेम्परेचर हमारा कितना था 23, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया था, 273 से प्लस करना है, हमें मिलेगा 296.4 केल्विन, ये टेम्परेचर 1 है। टेम्परेचर 2 हमें दिया गया है 26 से बढ़ रहा है टेम्परेचर, मतलब 299, तो चार्ल्स लॉ हमें याद रखना है, V1 अपन T1 इज इक्वल टू V2 अपन T2, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल होते हैं वो ऊपर नीचे हम लिखते हैं उनको, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें 2.018 लीटर, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस तरह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। चलो उसके बाद एक बीच में एक लॉ आ रहा है, गे लुजेक्स लॉ, उन्होंने लॉ जो दिया है वो किसके रिलेशन में दिया है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, उसको नीचे समझाया। जैसे जैसे एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखना है, प्रेशर of the fixed amount of gas varies directly with the temperature, the pressure proportional to temperature, pressure जैसे बढ़ेगा ऐसे टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है ऐसे प्रेशर भी बढ़ता रहता है, ठीक है। उसको कॉन्स्टेंट K3 दिया है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट मोलर वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है उसे बोलेंगे आइसोफोर, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो हम बोलते हैं आइसोथर्म, ठीक है, और प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है तो हम बोलेंगे आइसोबार, और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है तो उसे बोलेंगे आइसोकोर, ओके। यहाँ पे दिखाया गया है प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है ऐसा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, अलग अलग वॉल्यूम पे दिया गया हमें प्लॉट,
तो उसे बोलेंगे आइसोकोर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आइसोकोर। चलो उसके बाद है बीसीए, जैसे मैंने बताया था बीसीए एवोगेड्रो। ठीक है, बीसीए का कौन है? एवोगेड्रो। उन्होंने रिलेशन बताया वॉल्यूम एंड अमाउंट। तो इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से क्या होता है? मॉलिक्यूल रहता है जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स, एंड क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है K4। एवोगैड्रो जब भी आता है तो हमें नंबर याद रखना है। एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 × 10²23, इस नंबर को याद रखना है। एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं 6.022 × 10²23। एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेस, अगर गैस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वॉल्यूम किस तरह से लेना है? एसटीपी पे 22.7 लीटर पर मोल, अगर गैस है तो हमें 22.7 लीटर पर मोल लेना है, इसको याद रखना है। मोलर वॉल्यूम ऑफ द सम गैसेस इज गिवन, यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे आइडियल गैस का हमने लिया है 22.7। ठीक है, यहाँ पे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, इसको हमें याद रखना है 22.7 मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, मोलर मास होता है या मोलर वॉल्यूम। चलो मोल की बात आ रही है तो हमें ये जो फॉर्मूला याद रखना है, एन इज इक्वल टू एम अपन एम, ये हमारा मास है। एम क्या होता है? मास ऑफ द गैस अंडर द इन्वेस्टिगेशन, और एम क्या होता है? मोलर मास होता है। ठीक है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन है ना, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन, तो मतलब वी इज इक्वल टू के एन हो जाएगा। एन की वैल्यू हमें क्या रख रहे हैं? एम अपॉन एम, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अगर हम एम को आगे ला रहे हैं तो क्या हो जाता है? एम इज इक्वल टू, एम को ऊपर ले जा रहे हैं हम तो K K4 K4 M हो रहा है। ठीक है, और V आपका नीचे आएगा, तो M अपन V क्या हो जाता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे आप मास अपन वॉल्यूम जो है वो क्या हमारी डेंसिटी है। डी इज द डेंसिटी ऑफ गैस, बी सी ए, यहाँ पे जो मैंने रूल बताया, बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो। तो उनके ऊपर से हम क्या निकाल रहे हैं? वो गैस दैट फॉलोज द बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। उसको क्या बोलेंगे हम? आइडियल गैस बोलेंगे जो इन लॉ को सब फॉलो करता है। सच अ गैस इज हाइपोथेटिकल, लेकिन ऐसा गैस पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल अंदाज ही है। रियल गैसेज फॉलो दीज लॉज ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस व्हेन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। तो ये जो आइडियल गैस का जो कंसेप्ट है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। जो रियल गैस होते हैं वो कभी कभार आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। जो मॉलिक्यूल्स है उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कितना होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तभी ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं। चलो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बन रहा है उसको हम देखेंगे अभी। आइडियल गैस इक्वेशन तो हमें सब पता है, बी सी ए मैंने समझाया, बी सी ए। बॉयल का क्या कहना है? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चार्ल्स वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एवोगैड्रो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। इसके ऊपर से हमारा बन रहा है, ये वाला बनेगा पी वी इज इक्वल टू
तो यहाँ रख देते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है हमारा बन रहा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है इसको याद रखना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर इज इक्वल टू पीवी, आर इज इक्वल टू पीवी एनटी, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट भी बोलेंगे, इसकी वैल्यू जो आर की वैल्यू होती है उस किस पर डिपेंड करती है, पीवी एनटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है हमारा ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर की जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है ऊपर, मोल एंड टेम्परेचर, तो ये जो मोल एंड टेम्परेचर है वो आपका रहेगा केल्विन पर केल्विन पर मोल, तो ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट्स बदलते रहते हैं, इसके हिसाब से गैस की वैल्यू बदलती रहेगी। कुछ यूनिट यहाँ पे लिखे हैं मैंने याद रखने के लिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 bar इज इक्वल टू 10^5 पास्कल। यहाँ पे मैंने समझाया है एक आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे पास्कल में प्रेशर आर इज इक्वल टू पी वी आपका पी टी, ये आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम पी वी, ठीक है, प्रेशर पास्कल में ये, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, पी वी ये आपका एन एंड ये हमारा टी, ठीक है, तो ये तो एन एंड टी तो सेम ही रहेगा, जैसे यहाँ पे पर केल्विन पर मोल, ये सेम रहेगा, यहाँ पे पी पास्कल में वैल्यू है और यहाँ पे मीटर क्यूब में, तो हमें जी की आर की वैल्यू क्या लिखनी है, गैस कॉन्स्टेंट 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन पर मोल, ठीक है, अगर पास्कल मीटर क्यूब को हम बार और लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने किया है 1 पास्कल 1 bar इज इक्वल टू 10^5 पास्कल, यहाँ पास्कल पास्कल हम रख सकते हैं, और मीटर क्यूब को हम निकालेंगे तो मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, ठीक है, लीटर लाना है हमें, यहाँ पे लीटर आ गया, इस तरह से वैल्यू आ रही है हमारी, और इसको हम लिखने हैं तो इसको अगर हम यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 का पावर है यहाँ पे, इसको निकाल दें अगर तो 0.083, ठीक है, इसको हम लिख दिया, तो हमारा हो जाएगा ये बार पर बार लीटर पर केल्विन पर मोल, एक वैल्यू याद रखनी है आपको 0.083 बार लीटर केल्विन पर केल्विन पर केल्विन पर मोल, ठीक है, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये यूनिट याद रखना है, लीटर बार, जो लीटर बार होता है ये, ठीक है, इज इक्वल टू जूल हो जाता है, तो 8.314 जूल केल्विन पर केल्विन पर केल्विन पर मोल, तो इस तरह से गैस की गैस कॉन्स्टेंट जो है हमारा उसकी अलग अलग वैल्यूज रहती है डिपेंड ऑन पीवी एनटी, एनटी तो सेम रहेगा पीवी पे डिपेंड करेगी ज्यादा, यहाँ पे एक दिया है लीटर एटमोस्फियर केल्विन पर मोल 8.20578, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.082 लीटर एटमोस्फियर केल्विन पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, ऑल्सो कॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो अगर उसके ऊपर से कंबाइंड गैस लॉ भी बनाया है बीसीए के ऊपर से, बॉयल चार्ल्स एंड एवोगैड्रो के लेके कंबाइंड गैस लॉ है, हमने जो देखा था उसके हिसाब से वॉल्यूम ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, ठीक है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना, वी वन पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू
P1 V1 T1 is equal to P2 V2 T2. P1 V1 अपन T1 is equal to P2 V2 अपन T2. तो ये जो है हमारा है कंबाइन गैस लॉ है, इसको याद रखना कंबाइन गैस लॉ। चलो उसके हिसाब से प्रॉब्लम हम देखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा 5.3, टेम्परेचर दिया गया हमें, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर हमें दिया है 760 mm पर मर्क्यूरी, प्रेशर गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया गया है। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, प्रेशर कितना है हमें ढूंढना है, ठीक है P2 ढूंढना है, यहाँ पे हमें T1 P1 और V1 दिया गया है, प्रेशर ढूंढना है, ये दे दिया है T2 दे दिया है, और वॉल्यूम ऑफ द गैस भी दे दिया है V2, ठीक है सब वैल्यू है। P1 V1 इज अपन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन T2, इसको आपको याद रखना है। वैल्यू हम रखेंगे तो आपको प्रेशर मिल जाएगा 676.6 mm मर्क्यूरी। चलो उसके बाद है हमें डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस का, डेंसिटी एंड मोलर मास देखते हैं ऑफ द गैसियस सब्सटेंस, इसका रिलेशन। तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो जो N है हमें पता है N की वैल्यू क्या होती है, N इज इक्वल टू M/m होता है, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT, N की वैल्यू इसको N को यहाँ पे आगे ले जा रहा है, यहाँ पे N रख दिया, N अपॉन V इज इक्वल टू PRT कर दिया है। अब N की वैल्यू क्या होती है, M/m लिख सकते हैं हम, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो मास अपन जो वॉल्यूम है उसकी जगह हम लिख सकते हैं डेंसिटी, तो DM इज इक्वल टू PRT हो सकता है। मोलर मास ऑफ द गैस M की बात करेंगे हम, अगर मोलर मास ढूंढना है तो याद रखें M इज इक्वल टू DRT/P, मोलर मास ढूंढना है तो DRT/P, मोलर मास ऑफ गैस DRT/P। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके बाद हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर। डेल्टन जॉन डेल्टन 18(1) इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, जो टोटल प्रेशर होता है बाय द मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, एक गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, उसका टोटल प्रेशर कितना होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, अलग अलग गैस का जो सम करेंगे वो उसका टोटल प्रेशर हो जाएगा। जब गैस कैसे है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है, से पी टोटल इज इक्वल टू P1 सभी गैस का प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस है, एक दूसरे को साथ रिएक्ट करते नहीं है, तो अलग अलग प्रेशर देंगे, टोटल प्रेशर में सबका प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वियस टेंशन। अब एक्वियस टेंशन हम समझ लेते हैं, यहाँ पे जो ड्राई गैस है कोई भी गैस है, तो हम जो गैस जब निकलती है, ठीक है, जो पानी के ऊपर होती है, तो जो वाटर के ऊपर होती है, H2O के ऊपर होती है जो गैस, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो जो गैस इकट्ठा होती है पानी के ऊपर, तो जरूरी उसके साथ कौन सी दूसरे जो वाटर के ऊपर होते हैं, तो मतलब वाटर के भी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो गैस होती है उसमें दोनों होते हैं, तो प्रेशर जो होता है वो वाटर के ऊपर जो गैस होती है उसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसमें जो हमारी गैस चाहिए हमें,
उसका प्रेशर भी, और उसके साथ वाटर के भी मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर का भी प्रेशर रहता है, तो उसे बोलेंगे एक्वेस्टेंशन, एटी एक्वेस्टेंशन। तो हमें अगर टोटल प्रेशर जो होता है हमारा पी टोटल, तो उसमें क्या होता है, एक तो जो हमारा ड्राई गैस है उसका प्रेशर भी होता है प्लस एक्वेस्टेंशन भी होता है एटी, ठीक है, जो हमारा ये जो गैस हमें चाहिए वो है ड्राई गैस। तो इसका ड्राई गैस ही हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल के मास से एक्वेस्टेंशन को मतलब वाटर वेपर के जो प्रेशर है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ड्राई गैस इज इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वेस्टेंशन, इसको वाटर तो हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमें जो गैस है उसका प्रेशर मिल जाएगा। चलो यहाँ पे हमें दिया गया है एक्वेस्टेंशन, कैसे एक्वेस्टेंशन ऑफ वाटर मतलब वाटर प्रेशर है जो वेपर प्रेशर जो होता है एज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ऐसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। 273 है और यहाँ पे 293 है, तो यहाँ पे प्रेशर 0.00060 था, तो यहाँ पे 0.02 हो गया, बढ़ गया, और हम बढ़ा रहे हैं 295 से लेके 303 कर रहे हैं, तो और प्रेशर बढ़ रहा है आपका। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अब हम समझेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एक्स, जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग अलग गैस के हिसाब से प्रेशर दिया है हमें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कर रहे हैं हम, एन आर टी, तो वी क्या हो जाएगा, पी चाहिए ना, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी हो जाएगा, ये गैस वन, ये भी गैस का जो मोल है वो है, एक गैस का है ये दूसरे गैस का, मोल फ्रैक्शन एस लिखे, मोल को एन लिखते हैं हम, तो इसके हिसाब से समझाया, इतने थर्ड गैस है इन सबको साथ करेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू अब साथ करेंगे पी वन पी टू पी थ्री, तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको याद रखना है, पी वन अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन, फर्स्ट गैस का है, ओके। और एक्स वन की वैल्यू क्या रहती है ये कर सकते हैं हम, एक्स वन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल जो गैस का है वो अपन टोटल टोटल मोल, ठीक है, मोल अपन टोटल सम ऑफ द टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन मिलेगा हमें यहाँ पे। और पी ओपन पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो प्राइस से पार्शियल प्रेशर अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी वन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, उसको याद रखना है, पार्शियल प्रेशर चाहिए तो इस तरह से हम ला सकते हैं। और जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम हमेशा कितना होता है, वन रहता है। और एक चीज याद रखनी है, वो सम ऑफ द नंबर ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन। चलो इसके हिसाब से सम करेंगे, तो हमारे पास जो गैस है वो नियॉन हाइड्रोजन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, नियॉन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। मिक्सचर कंटेन्स ग्राम में दिया गया हमें, प्रॉब्लम 5.4, नियॉन एंड डाइऑक्सीजन मिक्सचर, ठीक है, नियॉन है या ऑक्सीजन का मिक्सचर है, कंटेन्स 70 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज, प्रेशर हमें दिया है 25 बार, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ढूंढना हमें, P किसका है, ऑक्सीजन का एंड नियॉन का, ठीक है, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर ढूंढना है। तो P को ढूंढने के लिए पहले हमें जो ग्राम दिए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ क्या गया, पहले मोल लिख लिया है, N इज इक्वल टू एम बाई एम, ठीक है, तो मोल मिल जाएंगे हमें, तो ग्राम
नियॉन के कितने हैं? और पहले ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं? मिक्सर कंटेन 70 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 70 ग्राम है, और उसका ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? ओ टू, मतलब 632, मतलब मोल कितना मिला ऑक्सीजन के? 2.21। आगे बढ़ते हैं वहां से। चलो इसी तरह से मोल हमें मिल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, नियॉन के कितने हैं? तो एम अपॉन मोलिकुलर मास नियॉन का लिख दिया, तो ये मिल गया मोल। अब मोल फ्रैक्शन किसका है? डाई ऑक्सीजन का। मोल फ्रैक्शन में हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो मोल जो हमें मिले हाइड्रो ऑक्सीजन और नियॉन के, उनको प्लस करेंगे यहाँ पे, और इसके निकालने ऑक्सीजन के निकालने, ऑक्सीजन के मोल लिखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन हमें मिल रहा है, मोल फ्रैक्शन मिल रहा है किसका? ऑक्सीजन का है 0.21। अब यहाँ पे हमने पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो नियॉन का भी ढूंढ लेते हैं, तो वो भी यही है, N1 N2 अपन टोटल कर देंगे, तो ये मिल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। और एक मेथड दिखाई गई यहाँ पे, हमने जो लिखा था कि भाई मोल टोटल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1, ठीक है, अगर टोटल मोल फ्रैक्शन का अगर सम 1 आ रहा है, तो जो हमें ऑक्सीजन का मिल रहा था मोल फ्रैक्शन, उससे हम 1 माइनस करेंगे तो हमें टोटल नियॉन का मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, P1 क्या था हमारा? इज इक्वल टू X1 into P जो टोटल था वो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पी टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, तो मोल फ्रैक्शन कितना मिला हमें? 0.21, और टोटल प्रेशर हमें दिया गया है 25 bar, तो पार्शियल प्रेशर होता है पी ऑक्सीजन का, ठीक है, 5.25, और उसी तरह से पार्शियल प्रेशर होता है नियॉन का 19.75 bar। ठीक है, इसके हिसाब, इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी एंड मोलिकुलर स्पीड, तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो आपको अगर पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, और लाइन टू लाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल में, एकदम बेसिक कंसेप्ट, सबसे प्राइमरी लेवल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप उसको प्राइमरी लेवल पे समझ सको, और लाइन टू लाइन एक्सप्रेस किया है मतलब कि आप टेक्स्ट बुक का भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नए नए वीडियो ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे, तो आप उसको देख के समझ सकते हो, सीख सकते हो। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।